सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल चेक पाल और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आप कभी भी मेरा कोई वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक यू। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक पाल, मैं हूं आपका उत्कर्ष और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग रिव्यू और टेस्ट मिनी लेपल माइक्रोफोन का। ये बिल्कुल ही सस्ता माइक्रोफोन है जो मैंने मंगाया है अमेजोन से। ये मुझे कुछ पड़ा 205 रुपये का और अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे कि ये कैसा काम करता है। मैं इसको पूरा इसको आपको रिव्यू करके आपको बताऊंगा कि क्या आपको ये मैक लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए और क्या है इसके प्रोस एंड कॉन्स, और देखते हैं ये कैसा काम करता है ये माइक्रोफोन। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं मिनी लेपल चीप माइक्रोफोन को, लेट्स गो। ये रहा हमारा मिनी लेपल माइक और अब हम इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। सो देखते हैं कि कैसा इसकी क्वालिटी सब तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा काम करता है, बट पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सो मैंने अभी तक तो इसको अनबॉक्स किया नहीं, तो फिर कुछ इस तरीके से पहले तो मैंने पैकेट खोला तो फिर इसके अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय इस बिल के और ये बॉक्स था जिसमें असल में माइक होने वाला है। सो इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, इसका टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ है जेनरिक E57000455 इम्पोर्टेड 3.5 mm क्लिप ऑन मिनी लेपल लेवेलियर माइक्रोफोन। तो फिर यहाँ पर हम इसको अब अनबॉक्स करेंगे। तो फिर अनबॉक्स करने के बाद हमारे सामने आता है कुछ ये प्रोडक्ट और ये रहा माइक। तो नॉर्मली कुछ इस तरीके से पैक होके आया है ये माइक और इसको ओपन करके देखते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि ये बहुत ही सस्ता माइक है, मतलब बहुत ही सस्ता। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये 205 रुपीज़ का पड़ा है, तो फिर 205 रुपये में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी ये। इसके अगर मैं इसकी वायर की बात करूँ तो इसकी वायर काफ़ी लंबी है, मतलब करीबन 1 मीटर तक की तो होगी, काफ़ी लंबी यहाँ पर वायर है। और फिर यहाँ पर जो है 3.5 mm यहाँ पर जैक है आपको मिलता है और फिर यहाँ पर फिर आपको देखने को मिल जाता है अपना माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर ऊपर कुशन लगा हुआ है ताकि मतलब जो बाकी नॉइस हैं वो कैंसिलेशन हो जाए, नॉइस कैंसिलेशन हो जाए अच्छे से। यहाँ पर एक क्लिप है, नॉर्मली मेटल की क्लिप यहाँ पर आपको मिलती है और अगर मैं इसको आपको हटा के दिखाऊंगा तो कुछ इस तरीके का आपको माइक्रोफोन देखने कुछ इस तरीके का आपको माइक्रोफोन देखने मिलता है जो काफ़ी अच्छा मतलब लगता है कि हाई क्वालिटी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो एल्युमिनियम मैश यहाँ पर दी गई है जो आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करेगी। सो देखने में तो काफ़ी अच्छा माइक है और अब बिल्कुल सस्ता है, मतलब अपनी क्वालिटी में मतलब सबसे चीप इन क्लास है। मतलब आपको इससे सस्ता कॉलर माइक्रोफोन कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। ये मैंने डायरेक्टली अमेज़ॉन से मंगाया था और इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 205 रुपये है। तो इससे सस्ता आपको माइक तो मिलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, मतलब बिल्कुल इससे सस्ता कॉलर माइक आपको नहीं मिलेगा। तो यही है मिनी लेपल कॉलर माइक और अब मैं इसको टेस्ट करूँगा कि कैसी इसकी वॉइस क्वालिटी है और उसके हिसाब से मैं इसको सोचूंगा कि मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसका इस्तेमाल करूँगा या नहीं करूँगा, और साथ ही मैं आपको सुनाऊँगा कि कैसा ये काम करता है। तो चलिए मैं आपको आगे सुनाता हूँ कि कैसा ये काम करता है। सो रेडी हो जाइए सुनने के लिए इससे आई हुई वॉइस। सो गाइस, सही थी इस मिनी लेपल माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो आप आवाज़ इसी माइक्रोफोन से सुन रहे हैं। यही है वो माइक्रोफोन जिसकी मैंने अभी अनबॉक्सिंग की। ये करीबन मुझे वैसे जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये का मिला है अमेजोन से। इससे सस्ता पावर माइक्रोफोन आपको मिलने से रहा, तो उसकी रेट के हिसाब से जब मैं इसकी आवाज़ सुनी तो फिर इसकी आवाज़ ठीक ठाक मुझे लगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमियम या फिर बहुत ज़्यादा डिसेंट वॉइस क्वालिटी इसकी नहीं थी। इसकी नॉइस कैंसिलेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी रेट के हिसाब से मुझे ये माइक्रोफोन ठीक ठाक लगा। अगर आपको लो क्वालिटी है तो आप इस माइक्रोफोन को ज़रूर मंगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छी वॉइस क्वालिटी चाहिए तो फिर आपको पैसे जमा करके बोया का माइक्रोफोन ले सकते हैं जो करीबन 1000 रुपये का आता है। और यही कुछ इस तरीके से आपका माइक्रोफोन काम करता है। अभी आप इसी से आवाज़ सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, वो मैं इसी से बोल रहा हूँ। उसको टैप जब करता हूँ तो भी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो अच्छा माइक्रोफोन है, मतलब फिर टाइम माइक्रोफोन मुझे लगा, इसकी वॉइस क्वालिटी मुझे ओके लगी। तो अगर आप लोगे तो फिर आप जरूर मंगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छी वॉइस क्वालिटी चाहिए तो फिर आप बोया के माइक्रोफोन को तरफ जा सकते हैं। तो यही चीज़ के अनुसार अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, सजेशन जो भी है आपको मेरे चैनल को लेकर इस वीडियो को लेकर, और साथ ही में जो नीचे लाइक करके सब्सक्राइब का बटन है उस बटन को जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। और कल मैं एक नया वीडियो जिसका नाम हुआ टेक्निकल नज़दीक, तो उसके जरूर जरूर चाहिए और अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो फिर बेल आइकन को भी दबा लेना और फिर को फॉलो करना।
@TechPal पर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं वो मैं वहाँ पर आपकी जरूर सॉल्व करूँगा। तो यही था ये वीडियो, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग TechPal।